हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 7777। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखो हम क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं। नाउ द थर्ड टाइप, दैट इज कोलोइडल। देखो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं दैट रेंज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। मींस ये स्मॉल इतने होते हैं हम नेक डाई से देख नहीं सकते, मींस विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे सॉल्यूशंस थे जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, एंड जो हमारे सस्पेंशन थे वो मोर देन 100 नैनोमीटर्स होते हैं। तो इन पार्टिकल को हम देख सकते हैं विद द नेक डाइस, बट हम कोलॉइड को देख नहीं सकते हैं, है ना। अब देखो ये लिखा हुआ है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस इन नेचर लाइक सस्पेंशन दैट नोन एज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो हम जो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको हम दो चीजें सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं हमारे पास इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, या फिर बोलते हैं हम टू फेज सिस्टम, बिकॉज एक होगा डिस्पर्स फेज, एक होगा डिस्पर्स मीडियम। इसी को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। बट दे हैव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इनका जो पार्टिकल साइज है वो सस्पेंशन से स्मॉल है, है तो हेट्रोजीनियस बट सस्पेंशन जो पार्टिकल का साइज है वो स्मॉल है। अब जो क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, पार्टिकल जो प्रॉपरली मिक्स है उसको हम नेक डाई से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए बोले यहाँ पे यूनिफॉर्मली मिक्सड, इसलिए बोलते हैं स्टेबल भी होते हैं हमारे पास, है ना। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, जिसे तुम्हें सारे पॉइंट क्लियर होंगे, मैंने जो भी जस्ट बताया। पहला पॉइंट, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों है, बिकॉज ये टू फेज सिस्टम है, एक डिस्पर्स फेज होगा एक डिस्पर्स मीडियम होगा, इसलिए बोले दैट इज इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक डाइज। हमने बोला जो पार्टिकल का साइज है, कौन से पार्टिकल का, कोलॉइड के पार्टिकल का, वो इतना स्मॉल है उसको हम नेक डाइज से नहीं देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। हमने बोला जो कोलॉइड का पार्टिकल होता है वो इतना भी स्मॉल नहीं है कि लाइट को स्कैटर ना कर सके। तो लाइट को स्कैटर करता है वो, इस फिनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। लेट मी राइट इट हियर, ओके। टिंडल इफेक्ट क्या होगा हमारे पास, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जैसे हमारा ब्लैक रूम है, ब्लैक मींस बिल्कुल अंधेरा है उसके अंदर, एक उसमें हल्का सा होल कर दे, क्या होगा, लाइट आता है उसमें, पार्टिकल मूव करते रहे जिगजैग मोशन में। तो वही बोलते हैं वो क्या हमारे पास स्कैटर कर रहे हैं, मींस जो पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, मींस फैला रहे हैं। अब ये टॉपिक है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है द ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, जो मैं क्लास 10th का चैप्टर है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। मैंने बोला कि पार्टिकल इतने स्मॉल भी नहीं कि लाइट को स्कैटर ना करें, तो हमारे लाइट को स्कैटर करते हैं, दैट्स व्हाई जो पाथ है वो विजिबल होगा। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, सपोज एक ग्लास है उसके अंदर, मैं अपने मिल्क का सोल्यूशन लिया, मिल्क प्लस वाटर बोल देता हूँ मैं, है ना। तो लाइट यहाँ से पास करेंगे तो जब अंदर जाएंगे सोल्यूशन के तो हमें क्या होगी, लाइट का पाथ दिखेगा, पाथ विजिबल होगा, बिकॉज इज कलर सोल्यूशन। तो साइज ऑफ पार्टिकल हमारा बिगर होता है एज कम्पेयर सोल्यूशन से, इसलिए हमें पाथ विजिबल होगा किसका, लाइट का। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज वाई कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। हमने बोला इसको हम ऐसे रख के छोड़ दें, ऐसे नहीं होगा टाइम के बाद वो पार्टिकल सारे नीचे आ जाएंगे, मीन्स सेटल इज द बॉटम हो जाएंगे, तो वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। अब देखो ब्राउनियन मूवमेंट तुम क्लास 12th में डिस्कस करोगे, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट याद रखो, जो पार्टिकल होते हैं हमारे पास कोलॉइड्स को, क्या होते हैं, जिगजैग मोशन मूव करते रहते हैं, इसलिए वो सेटल नहीं करते बॉटम में, इसलिए वो स्टेबल है। सी दिस पॉइंट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हमने बोला जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं हम उसको फिल्ट्रेशन करके सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा दूध ही आता है, दूध लेके क्या करते हैं, छन्नी से दूध को छानते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पार्टिकल हैं कोलॉइड्स के वो थोड़े छनेंगे, बस वो जस्ट घास फूस वगैरह जो हैवी पार्टिकल है वो निकल जाते हैं, है ना। तो क्या होता है हमारे पास, जो उसके फैट्स मॉलिक्यूल है वो नहीं निकलते ना विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, इसलिए हम यूज करते हैं एनिमल मेम्ब्रेन, जिसको हम डिस्कस करेंगे जब हम तीनों का डिफरेंस पढ़ेंगे आपस में, मीन सस्पेंशन का, ट्रू सॉल्यूशन का एंड कोलॉइड्स का, तब तुम्हें इजीली क्लियर होगा जो हमें सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, या फिर हम कॉम्पोनेंट्स भी बोल सकते हैं। अब देखो कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेज, लेट मी राइट इट हियर, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन में क्या था हमारे पास, जो कम क्वांटिटी में, दैट इज सॉल्यूट इन द सेम वे, जो फेज है वो एक्ट करेगा एज अ सॉल्यूट, जो हमें ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था,
एंड डिस्पर्जन मीडियम है वो एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, मीन ज्यादा क्वांटिटी वाला होगा हमारे पास मीडियम एंड कम क्वांटिटी वाला होगा हमारे पास सल्यूट। आई थिंक वेरी क्लियर नाउ, है ना। अब देखो कोलॉइड सोल्यूशन हैव थ्री सब क्लासिफिकेशन। अब देखो इन्हीं के बेस पे हमने तीन सब क्लासिफिकेशन पढ़ी है, दैट इज फोम्स, इमल्शंस एंड सॉल्ट्स। अब देखो फॉर्म्स क्या होंगे हमारे पास, जब हमारी गैस डिजोल्व होगी लिक्विड के अंदर, ओके। एंड इमल्शंस क्या होंगे हमारे पास, जब लिक्विड डिजोल्व होगा लिक्विड के अंदर। एंड सॉल्ट्स क्या होंगे हमारे पास, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगा। अब देखो इसमें भी तीन केस हैं। अब देखो सॉल्ट्स को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज जेल, सॉलिड सोल, लेट मी राइट इट, सॉलिड सोल एंड सोल। तो सोल कब होगा, जब हमारा सॉलिड डिजोल्व होगा लिक्विड के अंदर। सॉलिड सोल क्या होगा, जब सॉलिड डिजोल्व होगा सॉलिड के अंदर। एंड जेल कब होगा, जब लिक्विड डिजोल्व होगा सॉलिड के अंदर। बेसिकली जो फर्स्ट वाला है दैट इज फेज, जिसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। एंड जो सेकेंड वाला दैट इज डिस्पर्स्ड मीडियम, ओके। तो इन केस ऑफ जेल डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्स्ड मीडियम इज सॉलिड। इन केस ऑफ सॉलिड सोल dispersed phase is solid and dispersion medium is also solid. In case of soul, solid is dispersed phase and liquid is dispersion medium. Okay. अब देखो basically हमारा foam क्या होता है, मैं तीन बार पढ़ रहा हूँ, foam, immersion and soul. अब देखो foam क्या है हमारे पास, in this setting is created by capturing a gas in a liquid. Means gas हमारा है liquid के अंदर, वही बोला हमने। foam क्या होता है हमारे पास, जब gas हमारा means dispersed phase हमारा gas होगा and dispersed medium क्या होगा हमारे पास, liquid होगा। The substance being dispersed would be gas, triggering the fluid to become frothy and foaming. Means हमने क्या बोला, FOAM, ठीक है। हम बोले जब गैस डिजोल्व होगा लिक्विड के अंदर, क्या होगा हमारे पास, जो गैस है वो लिक्विड को क्या होगा, फॉर्मी एंड फ्लोथी बना देगी। जैसे बोलते हैं हम शेविंग क्रीम, एग्जाम्पल यहां पर मैं शेविंग क्रीम, ओके। अब देखो इमल्शन क्या होगा हमारे पास, एंड इमल्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड, इट इज बेसिकली वेन वन लिक्विड इज कंस्टेंटली dispersed all throughout another liquid. Means हमने बोला एक liquid दूसरे को completely mix जाए, उसको बोल देंगे हम emulsions. For example milk बोल दिया मैंने, या mayonnaise, ठीक है, mayonnaise जो खाते हैं काफी बंदे, mayonnaise होता है। देखो mayonnaise की spelling थोड़ी difficult है, let me write it. तो mayonnaise, तो ये example किसका होगा हमारे पास, emulsions का। अब देखो souls क्या होते हैं हमारे पास, souls क्या होते हैं हमारे पास, वही बोला मैंने solid and liquid। तो क्या होगा, सोल विच इज वेन अ सॉलिड इज इवनली डिस्पर्स थ्रू आउट अ लिक्विड, थ्रू आउट अ फ्लूड बोल दो, है ना। इसके तीन टाइप के हमारे पास, दैट इज जेल, सॉलिड सोल एंड सोल। तो जेल जो है उसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, जेली हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड सोल, सॉलिड सोल का मतलब क्या है, दोनों सॉलिड होंगे। तो मिल्की ग्लास बोल सकते हैं इसको हम, मिल्की ग्लास हो गया हमारे पास, कलर्ड जेम स्टोन हो गए हमारे पास, जेम स्टोन्स, ये सब क्या हमारे सॉलिड सोल्स हैं। थर्ड क्या था हमारे पास, सोल, जब हमारा सॉल्ट डिजॉल्व होगा लिक्विड के अंदर। एग्जाम्पल हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड हम बोलते हैं इनडायरेक्टली मड, मड वो जो है ना मिट्टी के पार्टिकल हमारे लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है, तो वो सोल का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। डोंट वे तुम्हारा चार्ज रहेगा एनसीईआरटी में, आई थिंक पेज नंबर है 18 पे नीचे की तरफ होगा, तो उस चार्ट को तुम देखें ढंग से, उसमें तो सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। So that's it for this video. I hope you like it. In my next video, we will start separating the mixtures. At last, hashtag PadhaiPuri. And don't forget to do three things. Like, share, subscribe and fourth, please do all three and thank you.